हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत सारे डाउट भी रहते हैं इसके अंदर। तो देखें, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि बैकएंड में किस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है, कैसे रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो डिटेलिंग होती है, वो सब हमें कहाँ से एक्सप्लेन करनी होती है, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेल्प ले करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर यहाँ अटैक करेगा या यहाँ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पोर्शन है वो GOC एक्सप्लेन करता है। इसीलिए GOC जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सब इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट किया, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया, फिर उनके एप्लीकेशंस आएंगे, ये सब मिल करके एक बहुत बड़ा सा टॉपिक बन जाता है जिसका नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग पूरा सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे एंड फिर हम इसका एप्लीकेशन पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करोगे एंड आपके जितने भी डाउट्स होंगे GOC से रिलेटेड वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमें पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमेना होता है, ये दोनों मिलकर के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। क्लियर है? तो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड किस तरीके से बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, बॉन्ड क्लीवेज। उसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करें, ठीक है, मान लो कि हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन है AB, एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने C के साथ करा है एंड बहुत क्लियर है आपको कि A और AB मॉलिक्यूल जब C के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, या तो A जो है वो C के साथ में बॉन्ड बना लेगा या फिर B C के साथ में बॉन्ड बना लेगा, A अलग चला जाएगा, B अलग चला जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन डालें, क्या कंडीशन, कंडीशन ये डाल दें कि अगर इस रिएक्शन में ना तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना ही कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्लियर है कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं एंड नए बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इतना तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, सही? अब हम डिस्कस करते हैं, तो इतना क्लियर है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो न्यू बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, सही है? चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये जो है वो किस तरीके से हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो हमारा जो हेडिंग है वो ये है, बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, क्लीवेज। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटा सा मन में डाउट रह जाता है और हम जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से आराम से, हमारे पास में जैसा अभी हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, AB मॉलिक्यूल है। इस AB मॉलिक्यूल में हमें क्लियर है कि A अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा होगा और B अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। A और B म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब अगर इनको वापस अपना बॉन्ड ब्रेक करना है तो इनके पास में एक सिंपल सा तरीका है कि जितना इलेक्ट्रॉन A लेके आया था उतना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए एंड B जितना इलेक्ट्रॉन लेके आया था उतना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। यानी कि एकदम अगर हम बात करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं जितना शेयर किया गया था उतना ही शेयर वापस अपना लेके चला जाए। तो इसमें आपको क्लियर है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही, या फिर आप इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा। क्लियर? एंड अगर ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन टू एटम्स, इस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? तो ये कौन सा टाइप आ जाएगा, तो हम इसको हेडिंग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जनरेट क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो जनरेट होने वाला है हमारे पास में इस तरीके का एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज और जिसका नाम होता है रेडिकल। क्या नाम होता है, रेडिकल्स, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलो, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में होमोलिटिक
होमोलिटिक क्लीविज। होमोलिटिक क्लीविज में क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीविज में हो जाएगा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो दोनों एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है ये, इस तरीके से हो गया, क्लियर। तो ये एक जो है एक टाइप ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीविज कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल दिया गया है, यानी कि जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, उन एटम्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको ईएन का कोई भी आइडिया नहीं दिया गया है तो भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, यानी कि आपको ईएन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा ईएन की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्लियर। दूसरा, जब भी हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीविज की बात कर रहे होंगे तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीविज में हम कभी भी सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करेंगे। पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, अगर उसमें डेल्टा ईएन की वैल्यू कुछ भी आती है, बहुत कम भी हो लेकिन फिर भी डेल्टा ईएन की वैल्यू आएगी, तो क्लियरिटी बनेगी हमें कि वहाँ पे कि पोलर बॉन्ड उसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, ऑलरेडी पोलर होगा बट फिर पोलर बॉन्ड अपना इफेक्ट शो करके उसको आयंस में ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर डेल्टा ईएन की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, ईएन का इन्फॉर्मेशन नहीं भी होता तो भी आप इसको कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर अगर आप देखें तो ये गैसेस फेज रिएक्शंस होती हैं, क्लियर। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, अगर हम बात करें, आप इसके लिए हीट कंसिडर कर सकते हो या फिर लाइट के प्रेजेंस भी ले सकते हो। ये सारी कंडीशंस हैं फॉर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीविज, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगी और लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम आगे देखें इसी में वापस से दूसरा टाइप का, अगर मैं बॉन्ड क्लीविज देखूं, तो हमने फिर से एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें ए और बी है और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्लियर। अब क्या होता है, हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि यहाँ पे सपोज करो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एंड ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सही है। बी की ईएन क्या है, ज़्यादा, तो इसकी ईएन हमारे पास में क्या हो जाएगी बताओ, कम, और इसकी ईएन क्या हो जाएगी बताओ, ज़्यादा हो जाएगी, बहुत क्लियर है, सही। अब हमें पता है कि अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ किसके तरफ शिफ्टेड रहेंगे, बिल्कुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टेड होंगे और आपको यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे आपको एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सही है। ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में पोलराइजेशन देखने को मिला है, बॉन्ड क्लियरली टूट नहीं जाएगा। ब्रेक करने के लिए एक और फैक्टर यूज़ करना होगा जो कि होता है पोलर सॉल्वेंट। तो हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट बनाते टाइम ये लिखते रहेंगे क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत जल्दी बोर्ड भर जाएगा, छोटा सा बोर्ड, क्लियर है। तो देखो, ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी इस पर माइनस का डेल्टा एंड इस पर प्लस का डेल्टा चार्ज आ गया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब हम क्योंकि हमें पता है कि बी की एन ज़्यादा होती है, बी की एन ज़्यादा होगी तो बहुत क्लियर होगा कि बी दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा एंड ए के पास में कुछ नहीं बचेगा, ए का इलेक्ट्रॉन भी कौन ले गया, ए का इलेक्ट्रॉन भी बी ले गया, क्लियर। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस कौन लेके चला जाता है, डिस्प्लेस किसकी तरफ हो जाते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं एंड दूसरे के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या बनेगा, पहले तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड बी पे कौन सा चार्ज आया बताओ, माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे आयंस बन चुके हैं, क्लियर है। ये है आयंस एंड इनको हम लोग कैटायन बोलते हैं और इसको हम लोग एनायन बोलते हैं, क्लियर। एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीविज, क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीविज, क्लियर है क्या। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीविज में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड जनरेट
आयंस, कौन कौन से आयंस जनरेट होंगे, कैटायन एंड एनायन, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो चलो अब अगर हम आगे देखें इसी के अंदर, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और इसके लिए सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन पोलर, गैसेस फेज में रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो ये बहुत क्लियर है कि हमारे पास में एक फ्री रेडिकल बन रहे हैं और एक हमारे पास में कैटायन और एनायन बन रहा है। ये तीनों ही जो स्पीसीज होती है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कैसे फ्री रेडिकल्स बनेगा, कार्ब फ्री रेडिकल बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं कि पोलर जो सॉल्वेंट है उसका रोल क्या होता है, क्यों हम पोलर सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं, विदाउट पोलर सॉल्वेंट ये बॉन्ड क्यों इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे कि एनर्जीज किस तरीके से होती है, क्योंकि उतना अब इसमें ज़्यादा काम आएगा नहीं। क्लियर, तो देखो हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है HCl। क्लियर, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। तो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में HCl। अब HCl में क्या होता है कि हमें क्लियर है कि Cl पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जल्दी बोलें फटाफट, Cl पे माइनस का चार्ज, बहुत बढ़िया, और H पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का डेल्टा। ये एक इस तरीके से आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है H और Cl के बीच में, इनके बीच में बॉन्ड पोलैरिटी भी दिख रही है क्लियरिटी से। अब देखो हमने इसको क्या करा है, हमने इसको पानी में डाल दिया। आपने सुना होगा कि जो HCl होता है वो H+ को लिब्रेट करता है, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट में देता है, ऐसा नहीं होता है कि वो हर किसी सॉल्वेंट आपने यूज़ किया और उसमें वो H+ रिलीज़ कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलर सॉल्वेंट का रोल क्या होता है उसको ध्यान से समझें। तो हमने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। क्लियर, तो जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे तो देखें वाटर मॉलिक्यूल भी कैसा होता है, पोलर होता है, मॉलिक्यूल भी पोलर है, बॉन्ड भी पोलर है। तो बताओ हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, बहुत बढ़िया, इस पर कौन सा चार्ज, प्लस का डेल्टा, इस पर कौन सा चार्ज, प्लस का डेल्टा, इस पर कौन सा चार्ज, माइनस का, टू डेल्टा, सही है क्या। चलो अब आप ध्यान से देखें कि अगर इस पर प्लस का डेल्टा चार्ज है तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस तरीके से देखो ये सारे हाइड्रोजन मिलकर के इसको खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। सिमिलैरिटी अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, माइनस का टू चार्ज है, है ना, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है बताओ, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस का टू डेल्टा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का डेल्टा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का डेल्टा। एंड फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये इसको ले जाएगा। तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप उसको कैटायन और एनायन में ब्रेक करना चाहते हैं तो सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर, अगर पोलर सॉल्वेंट है तभी वो बॉन्ड टूटेगा। पोलैरिटी कम है, पोलर बॉन्ड नहीं है, मतलब सॉल्वेंट पोलर नहीं है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्लियर, तो एक तो चीज़ ये ध्यान रखेंगे। एंड अगर हम और अच्छे से देखना चाहेंगे तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रॉपर किस तरीके से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, तो उसके लिए बहुत सारी पूरा अगर हम प्रोसेस देखेंगे तो उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ किया जाता है एंड फिर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो कभी अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पर क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी रिक्वायरमेंट रहेगी समझाने के लिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली जब हम कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से बॉन्ड जो है प्रॉपर एनर्जी को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। क्लियर, चलिए तो हमारे पास में ये क्या बन चुका है, दो टाइप के क्लीवेज आ चुके हैं, एक होमोलिटिक क्लीवेज हो गया एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया, और ये इस तरीके से मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बता दिया। सही है, अब देखो अगर हम बात करें आगे किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, आर एक्स। ध्यान रखें मैं यहाँ पे इसको एल्काइल हैलाइड नहीं कंसिडर कर रहा हूँ एक बार के लिए, एक्स एक जनरल ग्रुप है, आप इसको जेड में कंसिडर कर सकते हो, अगर आप कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन क्रिएट करे हो तो आप इसको जेड लिख लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो मैं एक कंपाउंड कंसिडर कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ, आर और जेड, मतलब आर जेड। इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो बहुत क्लियर है कि ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, R पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, प्लस साथ में क्या आएगा, Z फ्री रेडिकल। अच्छा मैं R जो है वो एल्काइल ग्रुप कंसीडर कर रहा हूँ, तो हमें क्लियर होना चाहिए ये सब चीज़ें। आप चाहो तो एक काम करो C लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आप। सो C पे कौन सा चार्ज, मतलब क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम सिमिलरली इसमें देखें आगे कि इसमें फर्स्ट केस हम ये डिस्कस कर लें
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, वो जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो अगर जेड की एन ज़्यादा है तो सी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, प्लस साथ में क्या बनेगा, जेड पे माइनस चार्ज। दूसरा केस हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जेड। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे माइनस का चार्ज आएगा, प्लस इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास में, ध्यान से देखें, हमारे पास में तीन स्पीसीज आ चुकी है, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे देखो हमारे पास में तीन इंटरमीडिएट आ चुके हैं, इन तीन इंटरमीडिएट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यही होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एंड आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल एराइन्स होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में नाइट्रीन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कार्बीन होता है, ठीक है। तो हम जनरली अभी इनको ही डिस्कस करने वाले हैं कि एक हमारा कार्ब फ्री रेडिकल है एंड हमारे पास में कार्बोकेटायन है, एक हमारे पास में कार्बन आयन है, सही है। इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल करने वाले हैं कि हमें पता रहे कि कैसे बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें आप लोग किस तरीके से करेंगे। सपोज करें आपको दिया गया है CH3Cl, क्लियर, और आपने इसके ऊपर लाइट डाल दी, ठीक है, लाइट यूज़ किया हमने। आपसे पूछा गया कि बताओ बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो किस पैटर्न पर होगा, तो बहुत क्लियर है, हमने लाइट को देखा, गैसेस फेज में रिएक्शन हो रही है, लाइट की प्रेजेंस ले रखी है, लाइट की प्रेजेंस में आपको क्लियर है कि CH3 पर कौन सा चार्ज, CH3 एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको, Cl फ्री रेडिकल, करेक्ट है क्या। इसी रिएक्शन को अगर हम मान लो कि CH3Cl के साथ में मैंने आपको दिया वाटर, सही, तो पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट होगा तो आपको क्लियर CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। हम अटैकिंग वाला सिस्टम नहीं देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या चीज़ें होगी, हम सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं और अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पता हो तो उसको थोड़ा एक बार के लिए कंट्रोल करें, सारी इन्फॉर्मेशन एक लेक्चर में कभी इंक्लूड नहीं करी जा सकती, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बताओ इसको हमने हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, तो बहुत क्लियर है, हम जैसे हमने देखा था अगर आप लाइट को यूज़ करते हैं, अगर आप हीट को यूज़ करते हैं तो क्या बनेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, कितने मोल बन जाएंगे, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल है तो दो मोल बन जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से मान लो कि आपको ये दिया गया, सही है, इसको आपने ROH में लिख दिया, तो बताओ क्या ROH जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, बिल्कुल पोलर सॉल्वेंट है, एंड फाइनली ये किस में टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और प्लस साथ में क्या बनाएगा बताओ, Cl माइनस बनाएगा, सही है क्या। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है कि आप इजीली जो है वो रिएक्शन की कंडीशन को देख करके आइडिया लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे BR लिख लो, और आपने अगर इसमें लाइट लिखी है तो ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, सही है। तब मेरे हिसाब से आपको कोई भी इश्यू नहीं रहेगा कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना है एंड किस तरीके से कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करी जाती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कैसे ये रिएक्शन करते हैं, वो सब हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हम GOC को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे और उसका एप्लीकेशन पोर्शन डिस्कस कर चुके होंगे, क्लियर है। सो फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से होते हैं। हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन तो नहीं करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्लियर है। तो देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या क्या कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट हम डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट टाइप होगा हमारे पास में होगा कार्बोकेटायन एंड सेकंड इज कार्ब फ्री रेडिकल। एंड थर्ड इज कार्बन आयन, करेक्ट।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शेप कैसी होती है इनकी, तो बहुत क्लियर है। कार्बन तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका होगा एंड इसके पास में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फर्स्ट डिस्कस करें तो सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, छः इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, अच्छा सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये किसके तरह वर्क करेगा, लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सही है क्या। चले आगे हम लोग अगर इसमें डिस्कस करें हाइब्रिडाइजेशन की, बताओ कैसा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। शेप कैसी आएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर अगर हम डिस्कस करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसके पास मिलेंगे। और इसमें पी और बाइटल जो होता है वो कैसा होता है, पी और बाइटल वैकेंट होता है, सही है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास जीरो। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसका, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, यूनिट हो जाएगी बोहर मैग्नेट्रॉन, सही है। सो एन की वैल्यू कितनी है, जीरो, सो आंसर म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, इट इज अ डायमैग्नेटिक, करेक्ट है। तो और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन आगे हम लोग जब कार्बोकेटाइन स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे डिस्कस करें कार्बफ्री रेडिकल, तो कार्बफ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है इसका। बताओ नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास, सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, सही है। एंड अगर ये सेवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की इलेक्ट्रॉन रिच, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस वजह से ये ना तो लुईस एसिड है और ना ही लुईस बेस है। तो आप लुईस एसिड और बेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp2, ठीक है। शेप इसकी वही रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहती है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है बट फिर भी हम प्लेनर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मैं bp लिख रहा हूँ इसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास में तीन ही है, सो बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब यूपी इलेक्ट्रॉन कितना, वन। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट में क्या आएगा, वन ब्रैकेट में क्या जाएगा, वन प्लस टू, आंसर इज अंडर रूट थ्री बोहर मैग्नेट्रॉन, करेक्ट है। सॉल्व करेंगे तो 1.7 समथिंग आंसर आएगा। इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, क्लियर। तो बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं। कार्बेनाइन की बात करें तो कार्बेनाइन के रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंटेशन होगा, एनसीईआरटी में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे क्या लिखा हुआ है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या ठीक है टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ पिरामिडल, ठीक है। शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो क्लियर है कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, सही है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस, तो ये बी लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, करेक्ट है क्या। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा अपने पास sp3। शेप कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर आप बोल सकते हो पिरामिडल,
ठीक है, इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखना आपको। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर तो इसके पास भी तीन है, बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वन। सो बताओ इसका म्यू कितना आ जाएगा, जीरो। म्यू जीरो तो डायमैग्नेटिक, करेक्ट है। तो ये हमने देख लिया है टोटल तीन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार फ्री रेडिकल को डिस्कस किया। ये हमारे पास में बेसिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेनली मेजरली रिएक्शन जो देखेंगे आप लोग वो इसी के देखेंगे, इसके अलावा आपको दूसरा कोई रिएक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ इंटरमीडिएट ज़रूर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बीन आता है, नाइट्रीन आता है, ठीक है, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, बट इनकी बहुत कम रिएक्शंस होती है तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। एंड जीओसी के एप्लीकेशन पोर्शन में हम इनको पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये जो पहला लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल इससे रिलेटेड डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, सही है क्या। चलिए तो अब हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है वो जीओसी अच्छे से सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम उसका ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अभी हम बेसिक थ्योरीज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पोर्शन जब आएगा, जब हम बहुत सारा आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पोर्शन पर जाएंगे, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और अच्छी बुक्स के भी हम लोग करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के। क्लियर है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ इसको जरूर शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।